राम राम सर, मंजूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सीधा पुआ बनाना बताऊंगी। ये सभी को बहुत ही पसंद होता है और घर पर ठंडी रोटी बच जाती है तो आप घर कैसे यूज ले सकते हैं, तो इसको सीधा पुआ बना करके यूज कर सकते हैं। आइए सीधा पुआ बनाना शुरू करते हैं। सीधा पुआ बनाने के लिए मैं एक चम्मच तेल ले रही हूँ, एक बड़ा चम्मच ले रही हूँ। पुआ चटपटा होता है तो एक चम्मच तेल डालना पड़ता है, तो मैंने एक बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, बाद में जीरा डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, जीरा डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने हींग ली है, एक प्याज, एक हरी मिर्च, एक आलू मैंने काट करके लिया है धोकर अच्छे से, एक टमाटर लिया है। टमाटर बाद में डालेंगे तो उसको साइड में रख देते हैं। प्याज और मिर्ची आलू को अच्छे से पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, बाद में मसाले डालेंगे। 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। सभी मसालों को अच्छे से मिला देते हैं। एक मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं, बाद में उसमें पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डाल रही हूँ, मसाला जले ना और अच्छे से पके। उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ढक्कन लगा करके। आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से और मसाला पक जाएंगे, तो ढक्कन लगा देते हैं और गैस की आंच मीडियम कर देते हैं। सीधा पुआ बनाने के लिए मैंने 8 से 9 चपाती लिए है सूखी हुई, इसकी कटिंग कर देते हैं। छोटे बड़े आपके पसंद के हिसाब से पीस काट सकते हो। कैंची से काट रही हूँ, हाथ से भी तोड़ के टुकड़े कर सकते हो। तो मैंने पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं। ये मैंने टमाटर का काट करके ये डाल देते हैं। टमाटर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज का और अच्छे से धो करके काटा है। मसाला अच्छे से पक गया है, आलू भी सॉफ्ट हो गए, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। मैंने पानी से बाहर निकाल दिया है, कटिंग करके रखा था टुकड़े को। उसको ज़्यादा डाल कर पानी में नहीं रखना है, अच्छे से मिला देते हैं और गैस की आंच मैंने मीडियम ही रखी है। बची हुई रोटी का स्वादिष्ट नाश्ता बन जाता है, आराम से बना सकते हो। बहुत कम चीजों से बनता है, घर के इंग्रेडिएंट से बन जाता है, कोई झंझट नहीं है। बनाने में बहुत आसान है, सब पसंद करते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसको 2 मिनट तक और पकने देते हैं। सीधा पुआ बनकर के तैयार हो गया है, तो प्लेट में निकाल लेते हैं गर्मा गर्म। मैं देसी घी डाल रही हूँ, जिससे बहुत ही टेस्टी लगता है। नींबू डाल करके खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये प्याज, प्याज के साथ बहुत अच्छा लगता है प्याज। नाश्ते के लिए सीधे पुआ बनकर के तैयार हो गया है, आप घर बना के जरूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो
दोस्तों के साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, फेसबुक फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम। साथ